हेलो हाय नमस्ते डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। सो स्टूडेंट, आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं निधि जो कि लेकर आती हूँ NIS बोर्ड और वीवर्स बोर्ड से जुड़ी तमाम जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले आज तक। तो अगर आपने भी इस साल NIS अप्रैल 2023 के सेशन में एडमिशन लिया था और अभी तक कोई बड़ी अपडेट न मिलने से आप परेशान थे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो करना है कि आपको मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, किसी भी पार्ट को गलती से स्किप नहीं करना है, और इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए सरप्राइज भी है। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने इस आज के टॉपिक को। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपने भी इस साल NIS अप्रैल 2023 में एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले आपका जो एडमिशन है वो NIS की तरफ से कंफर्म किया जाता है, और आपके एडमिशन कंफर्म होने के कुछ महीने बाद यानी कि 1 से 2 महीने बाद आपके आपके सब्जेक्ट्स की बुक आपके यहाँ पहुंचती है, और इसके बाद आपको असाइनमेंट बनाना होता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद होता है आपका प्रैक्टिकल, एंड देन लास्ट में आपका होता है एग्जाम। तो इसी पूरे प्रोसेस को आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। तो आइए बात करते हैं एडमिशन पर, एडमिशन की कंफर्मेशन को लेकर। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हम लोगों ने अप्रैल 2023 में एडमिशन तो लिया था बट अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि एडमिशन के कंफर्म होने का ड्यूरेशन कितना होता है, लाइक कितने डेज में या फिर मंथ में ये एडमिशन कंफर्म हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये इस बार की ही नहीं हर बार की कहानी है NIS वालों की कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उनके एडमिशन कई कई दिनों कई कई महीनों तक तो कंफर्म नहीं होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनके एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारण की वजह से। जबकि जो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं NIS में, उनके एडमिशन सबसे पहले कंफर्म कराते हैं। इसी दिक्कत मुसीबत से बचने के लिए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और एडमिशन लेते हैं, और हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि अब कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है और आपको पास होना है। खैर, जो बच्चों के एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहे हैं, आप बात करते हैं उनकी, तो अगर आपके भी एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं तो आपको करना यह है कि आपको अपने रीजनल सेंटर पे जाना है। जी हाँ, आपको अपने एक बार रीजनल सेंटर पे जाके विजिट करना होगा और वहां पे पूछताछ करनी होगी कि भाई हमारा एडमिशन अभी तक कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतना डिले किया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने रीजनल सेंटर में जाके विजिट करते हो तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। आइए बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर, जो कि है बुक। यानी कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म भी हो गया है तो न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक बुक नहीं मिली है NIS बोर्ड की तरफ से, या फिर बुक उनको मिली भी है तो आधे अधूरे सब्जेक्ट्स की मिली है और आधे अधूरे सब्जेक्ट की बुक्स नहीं मिली है, जिसके कारण वो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जंग का ऐलान हो गया है लेकिन आपके पास हथियार ही नहीं है, और जब हथियार ही नहीं है तो आप इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ोगे कैसे, मतलब आपके हारने के चांसेस यहाँ पे पूरे पूरे हैं। तो देखो बच्चों, मेरा फंडा सिंपल है, मैं हर बार यही बताती हूँ किसी भी एग्जाम को लेकर कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक की राह देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कि पता नहीं वो बुक आपके पास कब पहुंचेगी, हो सकता है कि तब तक आपका एग्जाम भी निकल जाए। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस को पता करना है। तो सिलेबस को पता करने का सिंपल तरीका है कि ये आपको आपके NIS के ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, और जब आपके पास आपके हर सब्जेक्ट की सिलेबस अवेलेबल हो जाएगी तो आपके पास जो भी इससे रिलेटेड बुक्स हो, सिलेबस से रिलेटेड, आप उससे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। देखो, थोड़ा सा तो एफर्ट करना होगा आपको अपने साइट से, और अगर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट से कोई बुक्स ले आओ और उसी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो आज के आज ही, क्योंकि भाई बड़े बूढ़े कह गए हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो पढ़ाई बिल्कुल अभी से आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों, अब बात करते हैं आज के तीसरे मुद्दे पर, यानी कि TMA। अभी TMA क्या है? TMA मतलब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, और क्या आपको हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट अलग अलग बनानी होगी, यानी कि आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं 5, 6, 7, आपको सारे सब्जेक्ट की अलग अलग असाइनमेंट बनानी होगी। और ये बनाने से होगा क्या स्टूडेंट, कि आपको थ्योरी का 20% मार्क्स, जी हाँ, आपके थ्योरी का 20% मार्क्स आपको मात्र असाइनमेंट बनाने से यू मिल जाना है। तो ये फ्री फंड के मार्क्स है, इनको बिल्कुल लेना मत भूलना, और अभी से असाइनमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दो।
इसको बनाने से आपको 20% यूनी मिल जाना है। और एक जरूरी बात है स्टूडेंट, पहले आपको ये टीएमए बना करके यानी कि असाइनमेंट बना करके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कराना होता था, लेकिन पिछले साल से ऐसा नहीं रह गया है, अब आपको ये टीएमए अपना अपलोड करना होता है, ठीक है। और हाँ, एनआईएस ने अपनी साइट पर सारे सब्जेक्ट्स की टीएमए अपलोड कर दी है, चाहे तो आप वहां से जाके ले सकते हो और इससे बना सकते हो। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, क्योंकि ये जो आपका टीएमए है वो दिसंबर में अपलोड होना स्टार्ट होगा और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली होगी वो 31 जनवरी होगी। तो बिल्कुल अभी आप परेशान मत होइएगा और आराम से इसको बनाइएगा, ठीक है। टीएमए तो हो गया, इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसकी टेंटेटिव डेट आपकी मार्च के फर्स्ट वीक से मानी जा रही है, यानी कि मार्च के पहले हफ्ते से आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि आपको अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ही केवल प्रैक्टिकल बनाने होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं देने होंगे, जबकि आपको टीएम में सारे सब्जेक्ट्स के बना करके अपलोड करने होते हैं, ठीक है। खैर, ये तो मेरी पहली वीडियो है एनआईएस अप्रैल 2023 वाले होने वाले एग्जाम को लेकर। इसके अलावा मैं अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो लाऊंगी, टाइम टू टाइम अपडेट करूंगी कि आपको अपने प्रैक्टिकल कैसे बनाने हैं, टीएमए कैसे बनाने हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और इसके बाद लास्ट में फाइनली आता है आपका थियोरी एग्जाम। तो थियोरी एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट मानी जा रही है डियर स्टूडेंट, वो मानी जा रही है कि अप्रैल का पहला हफ्ता, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आपका जो थियोरी एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है डियर स्टूडेंट कि डिस्टेंस स्कॉलर ऑल ओवर इंडिया में एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है। तो इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के साथ मिलेगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।